नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ स्वराज का 3-स्पीड ट्रैक्टर जो कि हाई लो मीडियम के साथ आता है। स्वराज 855 50 से 55 HP की डायल का ट्रैक्टर है और ये जो ट्रैक्टर आपके सामने दोस्तों खड़ा हुआ है ये साइड शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ में और 3 स्पीड यानी कि हाई लो मीडियम गियरबॉक्स के साथ में है। सो आपके सामने आज खड़ा हुआ है दोस्तों 855 ब्रांड न्यू जनवरी मॉडल 2023 मॉडल ट्रैक्टर है स्वराज 855 FE की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको दे रखी है। उसके बाद दोस्तों 5-स्टार मॉडल है, 1974 से ये कंपनी जो है अपने ट्रैक्टर्स को बना रही है। सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा ये चलता है। सो इस तरह का पूरा आपको लुक देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इसके टायर साइज के बारे में तो जो आगे के टायर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं 7/50/16 के और जो पीछे के टायर्स हैं वो 16/28 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल आपको यहाँ पे एयर क्लियर देखने को मिल जाता है स्वराज के सभी मॉडल्स में। आपको ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड चीज़ बन गई है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऐसा नहीं कि बाहर है तो बहुत अजीब लगता है, बहुत सही चीज़ है। और पूरा ये अच्छा सा ये आपको ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। आपको रिवर्स PTO का ऑप्शन मिल जाता है, 15 स्पीड दे रखी है यानी कि लो हाई मीडियम है तो 15 स्पीड हो गए टोटल। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये जो लोगो आपको दिख रहा है स्वराज का जो LED लोगो है ये स्वराज ने पहली बार अपने ट्रैक्टर्स में इन्वेंट किया है। नया मॉडल है, जनवरी मॉडल ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको इसी नए मॉडल में ये नई चीज़ देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लुक निकल के आता है जब इसको नाइट में जब जलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद दोस्तों नीचे से अगर आप देखोगे तो इसका जो फ्रंट एक्सल दे रखा है दोस्तों बहुत ही हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आपको दे रखा है जो कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। पावर स्टीयरिंग के बारे में तो यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही इसको मतलब कि इसके अलाइनमेंट को इसके सेंटर को बहुत ध्यान में रख के इस पावर स्टीयरिंग को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, बहुत सही जगह पे इसको बनाया गया है। अगर बात करें दोस्तों इसके इंजन के बारे में, इसमें आपको 50 से 55 के बीच का यानी कि आप कह सकते हो 55 HP कैटेगरी का इंजन आपको मिल जाता है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है पूरा का पूरा जो अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 2000 रेटेड RPM पे। अगर बात करें इसके इंजन के CC के बारे में तो आपको 3308 CC का इंजन आपको मिल जाता है। बात करें SFC के बारे में तो 265 पूरी SFC आपको मिल जाती है। यहाँ पे बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप का सेटअप दे रखा है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे से यहाँ पे पूरा डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर का पूरा सेटअप आपको दे रखा है यहाँ पे। बात करें इसके प्लेटफॉर्म के बारे में दोस्तों तो प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म दे रखा है, सिंगल स्टेप चढ़ने के लिए दे रखा है। और यहाँ पे एक बार यहाँ इसकी ये जो प्लेट आपको दे रखी है सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक्टर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए। जनवरी मॉडल ट्रैक्टर 2023 आप पूरा देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो को पॉज करके पूरा आप देख सकते हैं। और एक बार मैं ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पर आपको लेके चलता हूँ, देखते कैसा कुछ हमें लुक देखने को मिलता है इसके ड्राइवर सीट पर। सो दोस्तों अगर आप यहाँ से देखोगे तो उसके सबसे पहले मैं इसका पावर स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करूं तो बहुत ही छोटा एकदम गाड़ी के जैसा पावर स्टीयरिंग दे रखा है, बहुत अच्छी ग्रिपिंग ये प्रोवाइड करता है। दूसरा इसके इसमें काफ़ी फीचर्स में स्टीयरिंग में दे रखे हैं, जैसे हॉर्न आपको इसी से आपको ऑपरेट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फीचर है जो गाड़ियों में मिलता है आपके लिए। दूसरा क्या है कि इसका जो पूरा डैशबोर्ड है वो पूरा डिजिटल कर दिया गया है। न्यू जनरेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ नया अपने ट्रैक्टर्स में लेके आते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये आज की डेट के लिए। और अगर मैं यहाँ से अगर देखोगे तो ये आपको यहाँ पे दे रखे हैं हेडलाइट्स की कंट्रोल्स, इधर साइड में आपके पार्किंग लाइट आपको दे रखी है जिसको हजार्ड लाइट बोलते हैं हम लोग, इग्निशन यहाँ पे हो गया, स्टॉपर यहाँ पे दे रखा है आपके लिए। और उसके बाद दोस्तों ये आपको फुटरेस्ट दे रखे हैं यहाँ पे, इजीली अपने पैरों को जब आप लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हैं रोड पे चलाते हैं इनको आप रेस्ट में रख के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर बात करें इसके टोटल गेयरबॉक्स के बारे में तो उसमें 15 स्पीड मिल जाती है, 15 स्पीड का फुली कॉन्स्टेंट मैस का गेयरबॉक्स आपको मिल जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइवर सीट है जिसको आप आगे पीछे पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके क्लच के बारे में तो इसमें आपको डबल क्लच मिल जाता है, तो ये वाला जो क्लच है वो केवल गियर के लिए यूज होता है और ये दूसरा क्लच आपको दे रखा है यहाँ पे, ये केवल PTO के लिए होता है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट PTO क्लच या IPTO उसको बोलते हैं। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे और ये आपको दे रखा है PTO का गियर जिसमें आपको 540 चक्कर स्टैंडर्ड रिवर्स PTO और स्टैंडर्ड PTO का ऑप्शन मिल जाता है जो अपनी चक्कर प्रोड्यूस करता है 2000 रेटेड RPM पे। इसमें आप पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से। सो दोस्तों इस साइड से अगर आप देखोगे तो वही आपको सेम 5-स्टार और स्वराज 855 FE 15 स्पीड रिवर्स PTO का ऑप्शन स्टिकर आपको दे रखा है यहाँ पे, वही आपको स्लिम और काफ़ी स्पोर्टी सा आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो है डबल पंप आपको दे रखे हैं, इसमें एक पंप आपको दे रखा है हाइड्रोलिक का और दूसरा पंप आपको दे रखा है पावर स्टीयरिंग का। दोनों पंपों के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है ये क्यों होता है, अगर ये दोनों पंप एक साथ लगा दिए जाएँ तो अगर एक पंप खराब होता है तो दूसरा भी आपको उसके साथ में खराब हो ही जाएगा, तो ये बीच में अगर एक खराब हो जाता है दूसरा आपका सेफ बचा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ये जो फिल्टर आपको दे रखा है ये आपका इंजन ऑयल का फिल्टर आपको दे रखा है, ये फिल्टर आपको दे रखा है हाइड्रोलिक फिल्टर दे रखा है पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैटरी बॉक्स आपको शुरुआत से बाहर ही देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर अच्छा लगता है, शुरुआत से आपको ये मिलता है देखने के लिए।
तो ये हो गया पूरा और डिपर्स आपको इस तरह से मिल जाते हैं देखने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों इसके ट्रैक्टर के पीछे के बारे में और बात करते हैं कैसा कुछ लुक हमें देखने को मिलता है पीछे से। तो पीछे से अगर एक बार नज़र डालोगे तो आपको इस तरीके से पूरा व्यू देखने को मिल जाएगा। वही डिपर्स, वर्किंग लाइट हो गई। बात करें इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो इसमें आपको लगभग 2000 केजी की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है। 20 क्विंटल आप वजन उठा सकते हैं लिफ्ट की मदद से। और काफ़ी हैवी पट्टे दे रखे हैं, बहुत तगड़े से आपको पट्टियाँ वगैरह सारा सेटअप दे रखा है। और ये भी बहुत सही चीज़ लगी, इजीली इसको निकाल के इसकी जो विड्थ है उसको आप इजीली ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बात करें पीटीओ एचपी के बारे में तो उसमें आपको 33.8 एचपी की पीटीओ आपको मिल जाती है। इतना तक का कोई भी इंप्लीमेंट आप इसकी पीटीओ पर चला सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग आपको मिल जाती है, जो कि आपको वही स्टैंडर्ड वाली जो पहले आती थी वही आपको हाइड्रोलिक दे रखी है। कंपनी फिटेड आपको डबल ऑक्सिलरी वाल्व दे रखे हैं, अलग से लगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप इजीली यहीं से अपना कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट चलाते हैं, हाइड्रोलिक प्लाव हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, इससे आप उसको चला सकते हैं। सो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आप ये जो आपको लीवर दे रखा है ये एक तरह का ईजी हिच है। इसको आप खोलेंगे यहाँ से और थोड़ा सा इसको जब ट्रैक्टर चालू होता है तो इसको आप ऐसे मतलब ऊपर नीचे करेंगे तो ये पट्टियाँ जो होती है आप बिना किसी को पीछे लाए आप ही इंप्लीमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें आपको तीसरे आदमी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे तीसरे, ठीक है। तो ये इजीली यहाँ से आप खोल के इसको बंद भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था स्वराज 855 15 स्पीड के साथ पूरा वीडियो, साइड शिफ्ट में गेयरबॉक्स था। अगर आपको कोई भी सवाल फिर भी रह गया है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर कलेर ट्रैक्टर्स पे आकर के खन्ना में पूरी की पूरी जानकारी इस ट्रैक्टर के बारे में ले सकते हैं। ये मॉडल या फिर स्वराज का कोई भी मॉडल आपको लेना है तो कलेर ट्रैक्टर्स पे खन्ना में आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।